डेली फटाफट न्यूज चैनल आज हम आपके सामने एक नई खबर के साथ आए हैं। जी हाँ, आपको बता दें, नीति आयोग की एक नई रिपोर्ट के अनुसार बिहार, झारखंड और यूपी देश के सबसे गरीब राज्य बताए गए हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी में सबसे कम गरीबी है। राज्यों में केरल इस रिपोर्ट में सबसे ऊपर पाया गया है। बिहार, झारखंड और यूपी की सरकारें भले ही जो भी दावा करें, लेकिन नीति आयोग के पॉवर्टी इंडेक्स ने इन राज्यों को एक तरह से आईना दिखाने का काम किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में है। बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। इसके बाद झारखंड में 42.16% और उत्तर प्रदेश में 37.79% लोग गरीब हैं। वहीं मध्य प्रदेश 36.65% गरीबी के साथ चौथे स्थान पर है, जबकि मेघालय 32.67% के साथ पांचवें स्थान पर है। वहीं भारत में सबसे कम गरीबी की बात करें तो केरल इसमें 0.71% के साथ शीर्ष पर है। वहीं गोवा 3.76% के साथ दूसरे, सिक्किम 3.82% के साथ तीसरे स्थान पर है, तमिलनाडु में 4.89% और पंजाब में 5.59% लोग गरीब पाए गए। क्या है आखिर नीति आयोग की रिपोर्ट? नीति आयोग ने हाल ही में नेशनल मल्टीडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बेसलाइन की रिपोर्ट जारी करी थी। इसके मुताबिक हेल्थ, स्कूल, इलेक्ट्रिसिटी के मामले में बिहार की स्थिति देश भर में सबसे ज्यादा खराब बताई गई। अब इस रिपोर्ट को लेकर विपक्षी दल नीतीश कुमार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आपको बतला दें, तेजस्वी यादव ने साधा है निशाना। इस रिपोर्ट का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा था, नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के 7 सूचकांकों में भी बिहार की सबसे बुरी और खराब स्थिति है। डबल इंजन सरकार के पास कोई तार्किक जवाब नहीं है। जब राज्य हित में तर्क और सच्चाई के साथ केवल पूछता हूं, तो धरा के सबसे ज्ञानी 16 साल के मुख्यमंत्री भड़क जाए।